बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 मैथमेटिक्स डोमेन 1 नंबर्स एंड ऑपरेशन सब डोमेन 1 रियल नंबर्स। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, आइडेंटिफाई विच ऑर्डर प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन द फॉलोइंग। अब ये जो नीचे पार्ट्स 10 दिए हुए हैं, इनके अंदर हमने एडिटिव इनवर्स एक्चुअली और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ये दोनों बताने हैं। एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इन सारे पार्ट्स के बताने हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आइडेंटिफाई विच ऑर्डर प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन द फॉलोइंग ये दिया गया है। हालांकि यहाँ पे इसको मेंशन करना चाहिए था बुक में कि आइडेंटिफाई द एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, लेकिन यहाँ पे वो आइडेंटिफाई कर थर्ड क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट उसने यहाँ पर भी लिख दी है। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहला पार्ट हमारे पास 15 है। अब 15 के अंदर एडिटिव इनवर्स कैसे निकाला जाएगा? 15 का एडिटिव इनवर्स वो नंबर होगा जो इस 15 को जीरो बना दे, और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में क्या होता है? जो आंसर को वन कर दे। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? जो आंसर को जीरो कर दे, और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है? जो आंसर को वन कर दे। अब 15 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा जो इसको जीरो बनाएगा? तो 15 में अगर -15 कर देंगे तो आंसर हमारा जीरो आएगा। तो एडिटिव इनवर्स क्या हुआ? -15 -15 इसका आंसर आएगा। इसी तरह मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में आंसर 1 बनना चाहिए, तो आंसर 1 को क्या बनाएगा? 1/15। यानी कि अगर 1/15 से 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 से कट जाएगा और आंसर हमारा 1 आएगा। सेकंड पार्ट में है -27। अगर इसको हम ऐड करेंगे इसमें 27 प्लस का, तो आंसर हमारा जीरो आएगा। एडिटिव इनवर्स हमारा प्लस का 27 है, और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1/-27। अब देखिए, माइनस से माइनस कट जाएगा, या ऐसे कर लेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 27 से 27 कट जाएगा और आंसर हमारा 1 आएगा। पहले भी बताया और दोबारा से फिर रिवाइज करता हूं, एडिटिव इनवर्स ऐसा नंबर होता है जो कि दिए गए नंबर को या दी गई फ्रैक्शन को या दिए गए नंबर को जीरो बना दे, और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होते हैं? जो दिए गए नंबर को 1 बना दे। अब देखें, -27 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर, क्योंकि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, मल्टीप्लाई करेंगे -27 को 1/-27 से, तो माइनस और माइनस कट जाएगा, 27 से 27 कट जाएगा, और एक हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसलिए 1/-27 हमारा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। अब आप एक चीज नोट करें कि एडिटिव इनवर्स के अंदर सिर्फ नंबर का साइन चेंज होता है। ये प्लस वाला था, ये माइनस हो गया। यहाँ पे एडिटिव इनवर्स -27 था, यहाँ +27 हो गया। यानी कि एडिटिव इनवर्स जितने भी होंगे उसके अंदर सिर्फ हमारा साइन चेंज होगा। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में हम इन नंबर्स की पोजीशन चेंज करते हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की। अगर सिंपल नंबर 15 है, हम जानते हैं कि हर नंबर के नीचे 1 डिनोमिनेटर मौजूद होता है, 1/2 का मौजूद होता है। अब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इसका उल्ट करते हैं, फिर जो डिनोमिनेटर है वो हमारा न्यूमिनेटर बन जाता है, और जो न्यूमिनेटर है वो नीचे आके डिनोमिनेटर बन जाता है। आगे मजीद क्वेश्चन करते हैं, इसके पार्ट करेंगे तो आपको मजीद समझ आएगी। अब ये थर्ड पार्ट है 7/9। एडिटिव इनवर्स क्या होगा? इसमें सिर्फ साइन चेंज करते हैं, -7/9। अब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा इसका? 9/7। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में चेंज होंगे, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। इसमें साइन चेंज नहीं होता, सिर्फ इनकी पोजीशन चेंज होती है नंबर्स की। अब ये -4 पार्ट में -9/16। एडिटिव इनवर्स क्या होगा? ये माइनस का है, इसका साइन चेंज होगा तो 9/16 प्लस का एडिटिव इनवर्स। और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में क्या करते हैं? न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर इनकी प्लेसेस चेंज करते हैं, तो माइनस सेम वैसे ही आएगा और 16/9। फिफ्थ पार्ट में -20/23। इसमें साइन चेंज करना है, माइनस का था, तो एडिटिव इनवर्स होगा इसका 20/23 प्लस का। अब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में क्या करते हैं? ऊपर वाले और नीचे वाले नंबर की प्लेस चेंज करते हैं, माइनस वैसे ही आता है, साइन चेंज नहीं होता इसमें, 23/20। ये इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। अब सिक्स पार्ट की तरफ चलते हैं। सिक्स पार्ट में 1 दिया हुआ है, 1 को कौन जीरो बनाएगा? -1। यानी कि साइन चेंज होगा 1 का, -1 इसका एडिटिव इनवर्स हो गया, और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इसका क्या होगा?
वन ही होगा, क्योंकि जब वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वन ही आएगा, तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स भी इसका वन होगा। अगर आप इसे वन ओवर वन लिखेंगे, क्योंकि हर नंबर के नीचे वन ओवर मौजूद होता है, एक बटा का मौजूद होता है, अगर आप इसको उल्ट करके यानी कि न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर की प्लेस चेंज करके वन ओवर वन भी लिखेंगे एक बटा एक, तो आंसर तब भी वन ही आएगा। सेवन पार्ट है माइनस टू बाय थ्री। अब माइनस टू बाय थ्री है तो अगर इसमें प्लस टू बाय थ्री करेंगे तो आंसर जीरो आएगा एडिटिव इनवर्स के लिए। इसका मतलब है कि हमारा एडिटिव इनवर्स होगा प्लस का टू ओवर थ्री। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में साइन चेंज नहीं होता, साइन वैसे ही रहेगा माइनस वाला, और न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर इनकी जगह चेंज हो जाएगी थ्री ओवर टू। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि माइनस माइनस से कट जाएगा, टू टू से कट जाएगा, टू वन द टू, टू वन द टू, और तीन तीन से कट जाएगा। देखेंगे तीन नीचे है, ये ऊपर है, जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला तीन नीचे वाले तीन से कट जाएगा, थ्री वन द थ्री, थ्री वन द थ्री, और आंसर हमारे पास वन आएगा। तो इसका मतलब है कि माइनस थ्री ओवर टू ने आंसर वन कर दिया हमारा, तो ये हमारा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स माइनस थ्री ओवर टू कहलाएगा। एट पार्ट है सेवन ओवर टू, ये प्लस का दिया हुआ है, हमने इसमें सिर्फ साइन चेंज करना है, माइनस सेवन ओवर टू। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा? इसमें ऊपर और नीचे वाले नंबर की प्लेस चेंज करनी है, टू ओवर सेवन। नाइन पार्ट में माइनस सेवन है, एडिटिव इनवर्स का क्या होगा? प्लस सेवन। आप प्लस साथ में लिख भी सकते हैं, ना भी लिखें तो जिसके साथ कोई साइन नहीं होता वो प्लस का ही नंबर होता है, प्लस सेवन इसका एडिटिव इनवर्स होगा। और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स साइन वैसे ही आएगा माइनस और वन ओवर सेवन, जैसे कि पहले बताया था फर्स्ट पार्ट के अंदर, इसके नीचे वन डिनोमिनेटर मौजूद है, एक बटा का मौजूद है, तो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से चेंज हो जाता है, प्लेस चेंज कर लेता है, क्योंकि इसने आंसर को वन बनाना होता है, इसलिए माइनस वन ओवर सेवन इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। अब टेंथ पार्ट है ट्वेल्थ, तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा? इसका साइन चेंज होता है सिर्फ, माइनस ट्वेल्व इसका एडिटिव इनवर्स होगा जो कि आंसर को जीरो बना देगा। और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा कि जो आंसर को वन बनाए वो है वन ओवर ट्वेल्व, यानी कि इसके नीचे जो एक डिनोमिनेटर मौजूद था वो ऊपर आ गया और ट्वेल्व नीचे चला गया, तो वन ओवर ट्वेल्व इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बन गया। आज हमने एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है, और क्वेश्चन नंबर 2 के 10 पार्ट्स के एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स डिराइव किए हैं, और उम्मीद है आपको इन पार्ट्स की, इन इनवर्सेस की समझ भी आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चंस की वीडियोस आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहें। थैंक यू।